नमस्ते दोस्तों, न्यूट्री मंत्रा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम डाइट और न्यूट्रिशन के सबसे चर्चित टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया, हम वजन को घटाने के बारे में बात करेंगे। लेकिन यह नहीं कि वजन कैसे घटाया जाए, बल्कि हम बात करेंगे कि वजन कम करने की कोशिश करते समय लोग आम तौर पर कौन सी गलतियां करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है खाना कम खाना। कम खाना खाने से उन्हें लगता है कि वे जल्दी पतले हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कम खाना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर हो सकता है, जिससे आपका BMR यानी आपके शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट नीचे चला जाता है। BMR कम होने से आपके लिए अपना वजन कम करना और भी मुश्किल हो सकता है, इसलिए कम खाना खाना ठीक नहीं है। आइडियली आपको स्वस्थ, संतुलित, कम कैलोरी वाले आहार का सेवन करना चाहिए। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो है अधिक व्यायाम करना। काफी लोगों को लगता है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से उनका वजन जल्दी कम होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ज्यादा व्यायाम करने से हम अपने शरीर को नुकसान ही करेंगे। व्यायाम वजन घटाने में मदद करता है, लेकिन अत्यधिक व्यायाम से चोट लग सकती है, थकावट हो सकती है, क्योंकि मांसपेशियों को रिकवर होने में समय लगता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है या इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकता है। इसलिए व्यायाम में निरंतरता यानी कि गैप्स बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि आपको अपनी मांसपेशियों को थकावट और चोटों से उबरने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तीसरी गलती है फैट कम लेना। हाँ, बॉडी फैट को घटाने के लिए आपको कम कैलोरी आहार की आवश्यकता होती है, और आपको अपने आहार में फैट की मात्रा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जीरो फैट डाइट लेनी चाहिए। फैट सॉल्युबल विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, हॉर्मोन्स के लिए फैट बहुत जरूरी है। फैट आपके खाने के सेटिस्फेक्शन लेवल्स को बढ़ाने में भी सहायक रहता है, यानी अगर खाने में फैट है तो खाने के बाद जल्द ही आपको भूख नहीं लगेगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तले हुए भोजन के बजाय गुड क्वालिटी फैट जैसे कि ओमेगा 3, नट्स, सीड्स, इनके थ्रू हमें फैट कंटेंट डाइट में बढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है डिटॉक्स डाइट। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डिटॉक्स डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है। आप सप्ताह का कोई एक दिन चुन सकते हैं जहां आप उपवास करते हैं या जहां आप हल्का भोजन करते हैं, ताकि शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जा सके। लेकिन वजन कम करने के लिए डिटॉक्स प्लान फॉलो करना यह अच्छा आइडिया नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मील रिप्लेसमेंट्स के बारे में। इनके अत्यधिक इस्तेमाल के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि यदि आप मील रिप्लेसमेंट्स लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर या अपने न्यूट्रिशनिस्ट से परामर्श करके ही ऐसा करें। कृपया इसे स्वयं ना चुनें, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऐसी कंडीशन से सफर कर रहे हों जिसमें वो मील रिप्लेसमेंट उसको और खराब कर सकता है या आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ गलतियां जो आम तौर पर लोग वजन कम करने की कोशिश के दौरान करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन गलतियों को करने से बचेंगे। आशा है कि यह आपके लिए सहायक रहेगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए। बाय बाय।